या मेरे सतगुरु के उपकारे। अपुण आत्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालिक ने चार वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिलगी सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, ये परमात्मा कबीर साहब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है। आपको कितना बाईपास निकाल दिया, कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं 7 समुद्र की मसीही करूं, लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो, कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं पेपर, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना के, यानी एक एक पेड़ में कितनी कलम बन जाए, अरबों करोड़ों। और कहते हैं उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जाए, 7 समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जाए और सारी कलम घिस जा पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। अब एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या क्या कष्ट आए, और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन, और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने। कहते हैं सतगुरु के सिद्धा करूं, कर्म छुटाए कोटे, ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठे। ऐसे संत की और जो निंदा करते हैं, निंदा करते हैं कहते उनको यम के दूत उनके होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना मीन इतने क्रोधित होकर पीटना कि कहीं भी लगे ये नहीं देखना इसके लग कहाँ रहा है। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी 100-100 बारे, मानुष से देवता किया और करत न लाई बारे। अब देखो ये भोले वाले संत, इन भोले वाले श्रद्धालुओं को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह, और भी इसने क्यों बना लिया, श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरी बदला गिरा है पूछड़ दान कितनी कोर लाओगा। अरे भले आदमी नो कहे, अब सब इंसान लिखो, एक जाम पिलाने लग गया, जाम जाम जामा तो पीछा छुटवाना, यू स्टार्ट कर दिया इसने। और कहते इंसान लिखो अपने पीछे, तुम इंसान बन गए, हो गया बेड़ा पार, हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती, ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कह कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। इनका एक ये मेरे पास रखा समय नहीं है, इनकी विचार गुरमीत सिंह जी के इसके अंदर लिखे, इनके अखबार है एक सच कहूँ बड़का नासी आवे इसके आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के। ये तो इंसान बनावे, और परमात्मा कहते इंसान से हम देवता बनावांगे, तो ईब देवता बनने के लिए इन्हें यही आना पड़ेगा, उसने तो बना लिया जो बनाना था, ये सत्कर्म मान लेना। कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी 100-100 बारे, मानुष से देवता किया करत न लाई बारे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक में जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंत, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब क्या बताया कि गुरु मानुष कर जोगने और
करे चरणामृत को पान, वैसे तो चरण धोकर पीवे और वैसे कहीं तो भगवान है, गुरु भगवान नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं वो नर नरक में जाएंगे, युग युग होंगे समान। यानी उस चरणामृत का भी आपको कोई लाभ नहीं है, एक देखम देखा और ले रहे हैं, तुम भी ले ले। नहीं, परमात्मा का चरणामृत मान के और गुरु जी को परमात्मा के तुल सपोज कर ले, गॉड गुरु इज गॉड सपोज कर ले, मान ले मूलधन 100 रुपये, तब बात बनेगी, ये सत्कर्मा। और फिर क्या बताते हैं, हमने पति भर्ता पद पर आना है और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यही मार खाई तुमने वहाँ पर सतलोक में, अपने कबीर पूर्ण परमात्मा सतपुरुष से मन हटा के हम इस ज्योत निरंजन काल के तप को देखकर, इसकी एक्टिंग को देखकर हम इस पर आसक्त हो गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए। आज हमने फिर उसी स्थिति में आना होगा ताकि भगवान हमने फिर स्वीकार कर ले, हम व्यभिचारियों को वो दाता फिर स्वीकार कर ले। इस स्थिति में इतना विश्वास अब हमने पैदा करना पड़ेगा, तब वो ऊपर ले जाएगा। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, राम कृष्ण बढ़ते उपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा, गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। कहते हैं गुरु से अधिक कोई ना ठहरावे, गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञान। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं जो काल ने पैदा कर रखी हैं और उसने इसलिए कर रखी है कि इसका नाम खंड हो जा, ये भगवान से दूर हो जा। और ये प्रोमिस है प्रभु का किया हुआ कि जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे तो काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। और काल सबसे पहले यही चाहता है कि इसका युग नाम खंड करवा दो। आप नाम लेकर जाते हो पुणात्माओं, जो मर्यादा हम बताते हैं ये तो मनुष्य की मर्यादा होनी ही चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए और भाई ये फंड नहीं करने चाहिए, बेमतलब की बकवाद, ये दो चार बातें हैं बताओ और क्या छुड़वाते हैं हम। आन उपासना हमने करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो करके देख ली उससे लाभ कुछ नहीं, लेकिन इस काल प्रेरणा से घर घर में ये साधनाएं चल रही हैं, ये रीति रिवाजें हैं जो भक्ति बाधक हैं। तो काल चाहता है कि इनका यू नाम खंड हो जाए, फिर मैं आप देख लूँगा इनको। तो ये हमने आपको बता दिया कि लक्ष्मण जैसी रेखा, गुरु जी का वचन अर्थात ये नियम मानने पड़ेंगे हमने, इनके पालन करने में चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, फिर देखना भगवान आपके निकट कितना आ जाएगा। मीराबाई के साथ क्या हुआ, उन महापुरुषों के इतिहास को देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे, संसार की तरफ देख लिया हम इस मार्ग पर एक कदम नहीं चल सकते क्योंकि संसार उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और हम कुमार्ग पर चल पड़ेंगे फिर तो परमात्मा कहते फिर का है कि कुशलात कर दी पक कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च दे रखी फिर कुआ में पड़न लग रहा, अंधेरे में तो गिर जाए आदमी बिना ज्ञान के। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने, गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई, गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहसर गर्भ सुरहावे, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण, गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संतापा। ओए
जन्म जन्म के संताप ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपुणात्मा, अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते ब्रह्मान मट्टी हो रही, हमारी आत्मा सीर जाती है। हे भगवान, ये यही ब्रह्मान मट्टी, ये दुर्गति हमारी असंख्य बार होली और अब फिर होनी थी, क्योंकि हम परमात्मा से कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, ही वा के हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी और उसके हृदय में मैं समाया रहूंगा। अर्थात पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम कंकर चंपे नहीं उधर जाते हैं वन से। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का वचन का पालन करता हुआ और गुरु जी को अपने जो है ना परमात्मा के तुल मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा, गुरु भक्ता मम आत्म होई। जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। तो गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहो सवई। गुरुपद सेवै परला कोई, जापे कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा। और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा, गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरण पावे। कहते 68 तीर्थ में धक्के खाया और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जो तू मांगने गया था वो फल, वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं, पीछे लाग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया आठ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे, यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रस्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए, उन्होंने तत्वज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते। फिर परमात्मा कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, अपने ऊपर ही कह रहे हैं दूसरे न कवत काली मान जा काल के दूत। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले है तीन सारो सब काम। कहते भगवान के लिए पर्वत पर्वत पर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, मेरे को ये लाभ हो ये लाभ हो ये हो। और वो संत परमात्मा जैसे संत मिले, यानी गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत मिला, तब कहते उन सारे सारे काम। दसवा अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। ये फार्मूले हैं, अपनी कमाई का दसवा अंश दान कीजिए। दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है, व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा, अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिला नहीं भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, एक एकड़ में गेहूं बीजता है, 40 किलो डालता है, वो डाले डालेगा चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा। और एक मुट्ठी भी कम नहीं करे, दो मुट्ठी यानी 1-2 किलो ज्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह, उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे, फिर कहने की जरूरत ना पड़े। आप तो आप पर दोनों हाथों दान करोगे फिर।